एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। Full stop. If 8 is subtracted from each of the numbers, if 8 is subtracted from each of the numbers, if 8 is subtracted from each of the numbers, comma, the ratio becomes 4:5, comma, the ratio becomes 4:5, full stop. Find the numbers. Full stop. देखिए इन्होंने बोला है मुझे नंबर फाइंड आउट करने हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6, ठीक है ना? तो दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का जो रेशियो है आपस में वो 5:6 का रेशियो है दोनों में। तो इफ 8 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5। फाइंड द नंबर्स, हमने ये कहा कि लेट द नंबर्स, क्या पूछा है? फाइंड द नंबर्स। तो जो चीज पूछी जाती है उसी को हम एक्स और वाई बोल देते हैं, जो चीज पूछी जाती है उसी को हम एक्स और वाई बोल देते हैं। तो हम कहेंगे लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई, लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 5:6 दे रखा है, मतलब यहां पर गिवन है x to y is equal to 5:6, मतलब x upon y is equal to 5 upon 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 6 into x कितना हो गया 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 5 into y, यानी कि 5y। आप y को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 6x। हाँ जी, क्या हुआ बताएंगे? सर आपकी स्क्रीन चली गई थी, अब आ गई। ओके ओके, 6x - 5y इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला इफ 8 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5, यानी कि आप x में से भी 8 को सबट्रैक्ट कर दीजिए और y में से भी आप 8 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो इफ 8 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5। Now, अब मैंने क्या करा, x में से भी 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और y में से भी 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दोनों का x माइनस 8 अपॉन y माइनस 8, तो अब रेशियो क्या हो गया बेटा, 4:5। ये करने के बाद में अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5 into x - 8, 5 into x - 8, 4 into is equal to 4 into y - 8, ये हो गया। इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा 5x - 40, 5 into x 5x 5 into 8 40, 5x - 40 is equal to 4y - 32। y को इधर ले आओ, 5x - 4y, 40 को उधर ले जाओ,
40 माइनस 32, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। बताइए मैं यहीं पर छोड़ दूं, मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, अब इसके बाद हो जाएगा रोहन? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखना है मेरे को। आरडी शर्मा में ही पेज नंबर 3.79 पर क्वेश्चन नंबर 12 है, 3.79 पर क्वेश्चन नंबर 12। आप ये देखिएगा कि ये है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट डाउट है ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, वन सेज गिव मी अ 100 फ्रेंड, गिव मी अ 100 फ्रेंड ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, इन्वर्टेड ब्रैकेट बंद, इन्वर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद हम लिखेंगे द अदर रिप्लाइज, फिर दूसरा जवाब देता है, द अदर रिप्लाइज। सर आपकी वीडियो, हाँ वो बीच में ना थोड़ा हो जाता है कई बार दिक्कत, अभी ठीक है ना? यस सर, आ गई। ठीक है, द अदर रिप्लाइज, इफ यू गिव मी 10, फिर से इन्वर्टेड कॉमा, इफ यू गिव मी 10, इफ यू गिव मी 10, If you give me 10, comma, I shall be 6 times as rich as you. I shall be 6 times as rich as you. I shall be 6 times as rich as you. Full stop. Tell me what is the amount of their respective capital. Stop. Tell me what is the amount of their respective capital. Capital का मतलब ना ये होता है, कैपिटल का मतलब होता है कि कितना आपके पास टोटल पैसा है ना? तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि सबसे पहले ना एक स्टेटमेंट दे रखी है, वन से इसके एक बोलता है दूसरे को, गिव मी 100 फ्रेंड, कि फ्रेंड तुम मुझे अगर 100 रुपए दे दोगे ना तो आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा, तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा। तो जो दूसरा बंदा है वो रिप्लाई करता है, If you give me 10, ये चलो ये तो 100 रुपीज की बात हुई, अगर तुम मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। ठीक, तो ये दो स्टेटमेंट दे रखी है, दो अलग अलग दो फ्रेंड्स हैं उनकी स्टेटमेंट दे रखी है। पहला बोलते हैं कि दोस्त अगर तुम मुझको 100 रुपीज दे दोगे तो मैं तुमसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा। दूसरा रिप्लाई करते हैं कि अगर तुम मुझे 6 रुपीज, अगर तुम मुझे 10 रुपीज दे दोगे तो मैं तुमसे 6 टाइम्स रिच हो जाऊंगा। तो इन्होंने पूछा है कि आप बताइए दोनों के पास इनिशियली दोनों के पास कितना कितना पैसा है, व्हाट इज देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो अब हमने ये कहा कि लेट लेट फर्स्ट पर्सन एज रुपीज एक्स एंड द
सेकेंड पर्सन हैज रुपीज वाई, लेट फर्स्ट पर्सन हैज रुपीज एक्स एंड द सेकेंड पर्सन हैज रुपीज वाई. पहले बंदे के पास मान लीजिए एक्स रुपीज है, दूसरे बंदे के पास मान लीजिए वाई रुपीज है. तो पहला वाला बंदा दूसरे वाले को कहता है कि अगर तुम मुझे, अब आप देखिएगा फर्स्ट पर्सन, हमने ऐसी कंडीशन यहां पर एक इस तरह से बनाकर दिखाएंगे फर्स्ट और सेकंड. तो फर्स्ट के पास ना बेटा, फर्स्ट के पास इनिशियली एक्स रुपीज है और सेकंड के पास इनिशियली वाई रुपीज है. ठीक है, तो पहला वाला बोलता है गिव मी 100 फ्रेंड, मतलब फर्स्ट बोलता है सेकंड को कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो. तो फर्स्ट के पास फिर कितना पैसा आ जाएगा, एक्स प्लस 100 हो जाएगा इसके पास. इनिशियली तो देखिए एक्स था, लेकिन फिर जब इसने इसको 100 रुपए दे दिए तो फर्स्ट के पास अब कितना पैसा हो जाएगा, एक्स प्लस 100 रुपीज. और वाई की पॉकेट से 100 रुपए निकल गए तो वाई के पास कितना हो जाएगा, वाई माइनस 100. ये सभी को क्लियर है ना ये चीज, ये सब. यस सर. ओके, अब तो पहला वाला क्या बोलता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दोगे ना तो आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. यानी कि ये जो अमाउंट है फर्स्ट वाले के पास में, ये कितना है, ये इससे डबल है. तो क्या कंडीशन हो गई पहली, कि x प्लस 100 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y माइनस 100. इसको मैंने बोला केस फर्स्ट. ये हो गया x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200. y को इधर ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100, मतलब x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, इक्वेशन नंबर 1. फिर देखते हैं केस सेकंड में फिर बात करते हैं. ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन के पास तो x रुपीज है, सेकंड पर्सन के पास y रुपीज है. अब दूसरा वाला जवाब देता है कि इफ यू गिव मी 10, यानी कि सेकंड पर्सन बोलता है फर्स्ट को कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे देते हो ना, अगर तुम मुझे 10 रुपए दे देते हो, यानी कि ये इसको 10 रुपीज दे देता है. तो इसके पास कितना पैसा आ गया, वाई प्लस 10, और इसके पास कितना रह गया, एक्स माइनस 10. इसकी पॉकेट से 10 रुपए निकल गए. तो वो बोलता है, सेकंड वाला बोलता है कि आई शैल बिकम 6 times एज रिच एज यू. यानी कि इसका जो अमाउंट है वाई प्लस 10, वो इसका 6 times हो जाएगा फर्स्ट का. मतलब वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 6 times ऑफ एक्स माइनस 10. ये समझ में आ गया सभी को, बताइए. सर एक बार ये वाला दोबारा बता दो सर, केस सेकंड. दोबारा बता रहा हूँ. सेकंड वाला जो बंदा है ना, जो दूसरा पर्सन है, वो बोलता है कि पहले वाले अपने जो पहला जो फ्रेंड है उसको बोलता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे देते हो ना, तुम मुझे 10 रुपए दे देते हो तो मैं तुमसे 6 times रिच हो जाऊंगा. मतलब 6 times रिच का मतलब ये कि इसकी पॉकेट में जो पैसा होगा वो कितना हो गया, वाई प्लस 10, भाई 10 रुपए इसको मिल गए, इसकी पॉकेट से 10 रुपए निकल गए, तो एक्स माइनस 10. तो ये वाला जो अमाउंट है, सेकंड पर्सन वाला जो अमाउंट है, ये फर्स्ट पर्सन वाले का 6 times हो जाएगा. यानी कि ये अमाउंट y plus 10 is equal to 6 times of this amount, 6 into x minus 10. क्लियर है? ओके सर, सर आ गए. समझ गए? बाकी बच्चे बताइए, भव्या क्लियर है? यस सर. क्लियर है? केशव, कृष्णांशी बताइए, क्लियर है? कृष्णांशी, लक्ष्य, दोनों पार्थ. ओके ओके. यस सर. यस सर. ओके ओके. पार्थ, रोहन, रुद्रांश. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. ये करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे को इसको रीअरेंज करना है. मैं इसको रीअरेंज करूंगा, इधर कर रहा हूँ. अब देखिएगा कि आगे इसको y plus 10 is equal to 6x minus 60. ठीक है, तो 6x को इधर ले आओ, -6x + y is equal to -60 minus 10. तो -6x
प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 70 इक्वेशन नंबर टू हो गई। आप अगर कहें तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बन गई है, आप कहो तो मैं सॉल्व कर दूं, नहीं तो आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, इक्वेशंस तो आप तब से सॉल्व कर ही रहे हैं, इतनी आती है, छोड़ दूं इसको इतना। यस सर। ठीक है, हाँ जी बेटा बताओ। सर एक्स के पास 40 रुपीज है और वाई के पास 170 रुपीज। चलो वो आप आंसर निकाल के देख लेना, मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 170। बिल्कुल ठीक है तुम्हारा। ओके सर। ठीक है, चलिए जी मैं नेक्स्ट डाउट लेता हूँ। आपने मेरे को नेक्स्ट क्या भेजा है डाउट सर? 14 और 15। हाँ अभी देख रहा हूँ, इसी का 3.6 का ही ना, 3.6 का 14 और 15। यस सर। ठीक है बेटा, फटाफट नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लंबा है, मैं लिख रहा हूँ इधर। सर हाँ बोलो। सर जो सेकंड इक्वेशन, अगर मैं इसको माइनस से इनटू कर दूं तो हमारा जो एक्स, आपका 6x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस 70 हो जाएगा, वो भी ठीक है। ओके सर। ठीक है चलिए, अब जरा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसी का है एक्सरसाइज 3.6 का, क्वेश्चन नंबर 12 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, मैं नोट कर रहा हूँ, फटाफट करिए आप लोग भी। विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स ए एंड बी। Into two lots A and B, capital A and capital B, full stop. He sold first lot at the rate of, rupees one per banana, and he sold first lot at the rate of rupees 2 for 3 bananas. ठीक कर ली ना, rupees 2 for 3 bananas and the second lot at the rate of rupees 1 per banana, and got a total of rupees 400. Full stop. If he had sold the first lot at the rate of If he had sold the first lot at the rate of rupees one per banana, and the second lot at the rate of rupees 4 per 5 bananas per 5 bananas, his total collection would have been rupees 460. Full stop. Find the total number of bananas he had. अब जरा देखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये वाला।
देखिए इसमें क्या करना है, इन्होंने सबसे पहले बोला मैं ना दोनों अलग अलग केसेस देखूंगा, इन्होंने ये बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड। सबसे पहले ये देखिए, विजय हैड सम बनानास एंड ही डिवाइडेड देम इनटू टू लॉट्स ए एंड बी। तो हमने ये बोला कि विजय के पास जो बनानास है ना वो हमने मान लिया कि कितने हैं, विजय के पास बनाना टोटल हमने मान लिया कि दो लॉट्स जो है ना उसने दो अलग अलग लॉट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि लेट द नंबर ऑफ बनानास इन द फर्स्ट लॉट बी एक्स एंड द सेकेंड लॉट बी वाई। हमने ये कह दिया कि फर्स्ट लॉट में तो मान लो एक्स बनानास है और सेकंड लॉट में मान लीजिए वाई बनानास है, तो टोटल नंबर ऑफ बनानास उन्होंने लास्ट में पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बनानास ही है। तो टोटल मैं एक्स और वाई निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक्स और वाई दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बनानास आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 243 बनानास, ₹2 के तीन बनाना है, ठीक है, मैं सीधा सीधा कर रहा हूं, देखिए ₹2 के तीन बनाना है, मतलब तीन बनाना ₹2 के हैं, तो एक बनाना कितने का हो जाएगा, 2/3 का, ये समझ गए? यस सर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? यस सर। बताओ हमने ये कहा कि तीन बनाना जो है वो ₹2 के हैं, तो एक बनाना कितने का हो जाएगा, 2/3 का, ठीक। तो ये फर्स्ट लॉट की बात हो रही है और फर्स्ट लॉट में एक बनाना 2/3 रुपीज का है और फर्स्ट लॉट में कितने बनानास हैं, x, तो x बनानास की कीमत कितनी हो गई, 2/3 इंटू x, ये समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया, सभी को क्लियर है, चले आगे। yes, उसके बाद आप ये देखिएगा एंड द सेकंड लॉट, एंड द सेकंड लॉट एट रुपीज 1 पर बनाना, यानी कि जो दूसरा लॉट है दूसरे लॉट का एक बनाना वो ₹1 का ही बेचता है, तो इसका मतलब दूसरे लॉट में कितने बनाना है वाई, एक बनाना ₹1 का है, तो वाई बनाना कितने के हो गए, वाई इंटू 1, यानी कि वाई, और इनको बेचकर टोटल कितना पैसा कमा रहा है वो ₹400। आप इसका एलसीएम ले लो तो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x+3y/3 = 400, मतलब 2x+3y = 1200, ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। सभी को समझ में आ गया इतना? यस सर। उसके बाद सेकंड केस देखो, इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट रुपीज 1 पर बनाना, फर्स्ट लॉट को उसने ₹1 में एक बनाना बेचा, ठीक है, तो फर्स्ट लॉट में कितने बनाना है x, और एक बनाना कितने का बेच रहा है वो फर्स्ट लॉट का, ₹1 का, तो फर्स्ट लॉट कितने का बेचा, 1 × x x + एंड द सेकंड लॉट एट रुपीज 4/5 बनाना, यानी कि 5 बनाना ₹4 के हैं, तो एक बनाना कितने का हो जाएगा, 4/5 का, 4/5 का, और सेकंड लॉट में कितने बनाना है वाई, तो 4/5 × y, बताइए क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है भूमि, क्लियर है भूमि, क्लियर है ये वाले कंडीशन, क्लियर है दिवस? यस सर। समझ रहे हैं? अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। तो उसको टोटल कितना पैसा मिला, 460 रुपीज, एलसीएम ले लो 5 × 1x कितना हो गया, 5x + 4y/5 = 460, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x + 4y = 500, 5×6 = 30, 3 कैरी आ गया, 5×4 = 20 और 3 23, 2300, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन वन और इक्वेशन टू बन गई, छोड़ दो इसको, कर लोगे सॉल्व अपने आप? यस सर, यस सर। ठीक है, उसके बाद कौन सा बोल रहे थे बेटा, 15? यस सर, 15। 15 भी देखिए सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सर, 10th में ही नहीं है ना सर, आगे तो है ना, 11th और 12th में। 11th और 12th में हाँ है, है लेकिन हाँ 11th 12th में तो आता है, 12th में भी लाइक 12th में भी होता है। ओके सर, ठीक है, वो उसमें आपका आएगा, इंटीग्रेशन है एक टॉपिक, मैथ्स में इंटीग्रेशन एक टॉपिक है, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है, आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, 15 में है, ऑन सेलिंग अ टीवी एट रुपी एट 5% गेन, ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड अ फ्रिज एट 10% गेन, and a fridge at 10% gain, and a fridge at 10% gain, comma, a shopkeeper gains rupees 2000. A shopkeeper gains rupees 2000. Full stop. But if he sells the TV, But if he sells the TV at 10% gain, and fridge at 5% loss, and fridge at 5% loss, full stop, fridge at 5% loss, comma, he gains rupees 1500, rupees 1500 on the transaction. Transaction, full stop. Find the actual prices of TV and fridge. TV and fridge. On selling a TV at 5% gain and a fridge at 10% gain. बाकी सारी चीजें खैर अभी केसेस जो हैं दोनों के दोनों ये अभी हम देखेंगे, लेकिन इसमें हमको ये देखना है कि उन्होंने पूछा क्या है। वो बोल रहे हैं find the actual prices of TV and fridge. Let the actual prices of TV and fridge be rupees X and Y respectively. Rupees X and rupees Y respectively. अब आप ये देखिए, on selling a TV at 5% gain. 5% gain का मतलब क्या है? हम ये देखेंगे, सबसे पहले मुझे 5% gain. ठीक है? 10% gain, a shopkeeper gains rupees 2000. तो total gain निकालना है, बस इतना समझ लीजिए, total gain निकालना है. तो जैसे gain percent की बात होती है, profit percent, मैं ये कहूंगा gain percent जो है ना, वो ये होता है बेटा, formula है इसका, gain upon CP into 100, ये होता है gain का percentage. ठीक है, अब गेन परसेंट मुझे दे रखा है कितना, 5. तो खैर यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, मैं गेन निकाल सकता हूं. गेन कितना हो गया, गेन इज इक्वल टू गेन परसेंट
इनटू सीपी अपॉन 100। बताइए जी, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से जो लॉस परसेंटेज होता है वो क्या होता है? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। तो यहां से लॉस क्या हो जाएगा? लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाई सीपी अपॉन 100। ये वाला गेन का फॉर्मूला और ये वाला सॉरी ये गेन परसेंट का फॉर्मूला और लॉस परसेंट का फॉर्मूला ये आपने 8th क्लास में पढ़ रखा होगा, दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गेन परसेंट क्या होता है? गेन अपॉन सीपी इनटू 100। और लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। यहां से गेन निकल जाएगा, यहां से लॉस निकल जाएगा। इधर मिटा रहा हूं, आगे इधर करूंगा। Excuse me, sir. जी बताइए। सर जैसे ये क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन 7 भी था, तो हम उसमें थर्ड से भी कर सकते हैं क्या? कौन सा? 7th? सर 7th एंड 8th क्वेश्चन भी ऐसे ही थे। हाँ हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, कर सकते हो। ये तो समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया है। अब आप ये देखिएगा कि इसमें पहला कंडीशन क्या दिया है कि ऑन सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन, यानी कि पहले मैं इसका गेन निकाल लूंगा कि टीवी पर गेन कितना है, ठीक है। एंड फ्रिज 10% गेन, तो मैं निकाल लूंगा कि फ्रिज पर गेन कितना है, ठीक है। तो शॉपकीपर गेन्स रुपीज 2000। अब केस फर्स्ट, गेन 5% गेन है किस पर? टीवी पर। तो गेन कैसे निकलेगा? गेन परसेंट इनटू सीपी अपॉन 100। और टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स है, ठीक है। तो 5% यानी कि 5 × x / 100 प्लस लॉस नहीं, इस पर भी गेन हो रहा है, फ्रिज पर भी गेन हो रहा है, यानी कि ये भी पैसा हमारे पास आ रहा है। तो जो हमारे पास पैसा आता है ना, उसको तो हम ऐड करेंगे, उसको तो हम ऐड करेंगे। तो क्या है कि ये पैसा, ये तो प्रॉफिट आया मेरे को टीवी बेचकर, और फ्रिज बेचकर मेरे को क्या प्रॉफिट आया? फ्रिज में कितना है? 10% का गेन है, 10 × y / 100 इज इक्वल टू टोटल कितना प्रॉफिट आया? 2000 रुपए का, 2000। अब आपने क्या करा? 5 × x + 10 y / 100 इज इक्वल टू 2000। 5 ले लो ऊपर कॉमन, ये बचेगा x + 2y / 100 इज इक्वल टू 2000। 5 × 20 = 20 × 2000 कर देंगे, तो 2 × 2 = 4 हो गया, और 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक जी सर। अब लॉस का मतलब ये होता है, लॉस का मतलब ये होता है कि इतना पैसा मेरी पॉकेट से निकल गया, ठीक। मैं ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि अब जो मैं केस बताने वाला हूं उसमें लॉस वाला भी आएगा। तो देखो, बट इफ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन, कि टीवी को 10% गेन पर बेचा, तो टीवी की कॉस्ट तो एक्स रुपीज थी, तो गेन कितना हो गया? गेन परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, यानी कि 10 × x / 100। और अब प्लस नहीं करके माइनस करेंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि फ्रिज को उसने 5% लॉस में बेचा, तो लॉस का मतलब ये है कि उसकी पॉकेट से उतना पैसा निकला है। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे 50 रुपए का लॉस हो गया, तो लॉस मतलब वो लॉस हो गया ना, वो पैसा चला गया ना मेरे पास से, तो वो ऐड नहीं हुआ मेरी पॉकेट में, वो मेरी पॉकेट में से माइनस हो गया। तो 5% लॉस का मतलब क्या है कि कितना लॉस? 5% इंटू सीपी कितना है फ्रिज का? वाई, 5 × y / 100।
और ये लॉस वाला अमाउंट हमारी पॉकेट से निकला है, इसलिए मैंने प्लस ना करके बेटा माइनस कर दिया। तो अब ही गेन्स रुपीज 1500 ऑन द ट्रांजेक्शन, इसके बावजूद भी मेरी पॉकेट में 1500 रुपए आ रहे हैं। ठीक, अब मैंने कहा कि 10x अपॉन 100 यानी कि 10x माइनस 5y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1500। न्यूमरेटर में से 5 कॉमन लिया जा सकता है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1500, 5 2 जा 10 और ये 20 हो गया। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 1 2 3 3 0 1 2 3। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी क्लियर है इतना? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अब इनको सॉल्व आप कर लेना दोनों इक्वेशंस को। उसके बाद अगला भी डाउट भेजा था किसी ने, देखता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था और 3.86, ये कौन सा है? अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 6। अरे बाकी बच्चे बता दीजिए, बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है ना, सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं इधर कर रहा हूँ। यस सर, क्लियर है। ओके ओके। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरे वाले बैच में भी, जो शाम को 8 बजे वाला बैच है उसमें भी ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, सुबह से तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, दवा ले रखी है, अभी तक तो ठीक लग रहा है। अगर शाम तक भी ठीक लगा तो क्लास लूंगा 8 बजे वाली, अगर नहीं ले पाया तो वो क्लास आपकी कल होगी। जो कि आपके बैच में जो भी अभी जो इस टाइम जो बच्चे हैं जो दूसरे वाले बैच में भी अटेंड करते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि मैं उसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करवा रहा हूँ, तो अगर तबियत ठीक रही तो 8 से 9 लूंगा क्लास, नहीं तो कल होगी वो आपकी क्लास, सुबह 10 बजे के बाद ही रखूंगा, या तो 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे। ठीक है, हाँ जी। अब आप देखिएगा एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6। And the difference between their squares. The difference between their squares is is 256,000. So find the numbers. The sum of two numbers is find the numbers. तो सबसे पहले तो ये देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं numbers बताने हैं आपको, तो आप numbers को ही x और y मान लो। Let the two numbers be x and y.
तो इन दोनों का सम कितना है 1000, तो x plus y is equal to 1000, equation number 1, and the difference between their squares is 256,000, यानी कि difference between their squares, x square minus y square is equal to 256,000, मैं ये कहूँगा x square minus y square को क्या बोलूँगा, x plus y into x minus y is equal to 256,000. X plus y की वैल्यू मुझे मालूम है 1000. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा from equation 1, x plus y की जगह मैं लिखूंगा बेटा 1000. और फिर x minus y as it is equal to 256,000. तीन जीरो से ये तीन जीरो कैंसिल हो. तो x minus y is equal to 256 is your equation number 2. ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है. कर लोगे आप अपने आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे, बताइए. यस सर. ठीक है दोस्तों, बेटा इतना कर लीजिए. बाकी शाम वाले ग्रुप का आप एक बार मैसेज चेक कर लेना. मैं अभी क्लास लेने के बाद में लगभग आधा पौना घंटा रेस्ट करूंगा. अगर तबीयत ठीक लगती है तो फिर मैं 8 बजे वाला बैच लूंगा, नहीं हो पाएगा तो फिर मैं कर लूंगा दोपहर में. 10 से 1 के बीच में ही होगी क्लास, या तो 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे. मैं आपको मैसेज कर दूंगा. ठीक है सर. क्या मैं ये कह रहा हूँ कि आज तबीयत ठीक नहीं है, दवा लेकर ही पढ़ा रहा हूँ, और रात में 8 बजे तक हो सकता है थकान ज्यादा हो जाए, तो अगर मैं नहीं पढ़ा पाया तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, और उस केस में मैं कल सुबह लूंगा क्लास. आज रात की 8 बजे वाली क्लास जरूरी नहीं है कि ले पाऊँ. अगर नहीं ले पाया तो कल सुबह 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे, इन तीन में से कोई एक टाइम पर रख दूंगा, मैसेज कर दूंगा. ओके सर. ओके सर. नमस्ते सर.